हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट नंबर 5। आज के इस टॉपिक पे हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और इनपे बेस्ड एक शॉर्ट एग्जांपल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें जानना काफी जरूरी है किसी भी मेटीरियल की प्रॉपर्टीज को निर्धारित करने के लिए। ये तीनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग लेट स्टार्ट विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई भी मटेरियल रहता है तो उसमें जब फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं टू दैट। ठीक है, तो उसके कारण से उस फ्लो में इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो घटती बढ़ती रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस टाइप का है। वो मेटल होगा तो उसमें उस रेजिस्टेंस जो होगी, ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की वो काफी ज्यादा होगी, सॉरी काफी कम होगी। एलॉयस में उससे थोड़ी मॉडरेट होगी, सेमीकंडक्टर्स में उससे कम, इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस काफी अधिक होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। तो बेसिकली इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका यूनिट है SI यूनिट है ओम। ठीक है, जिसे इसे इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ L। जितना लंबा कंडक्टर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना लंबा कंडक्टर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा कंडक्टर उतना कम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ए पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पतला वायर अगर होगा, पतला वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल किस टाइप का है, मेटल है, अलॉय है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, किस टाइप का मटेरियल है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसके रेजिस्टेंस कितनी होती है। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर मटेरियल क्या है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर में जो रेजिस्टेंस होती है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स नहीं होने के कारण भी रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, टेम्परेचर काफी बढ़ते जाता है क्योंकि उसमें रेगुलरली करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, तो उसके कारण से टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है इन केस ऑफ मेटल्स जनरली। इन केस ऑफ एलॉयज, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इन टू एल बाय ए। ठीक है, जहां पे रो जो है वो एक ग्रीक लेटर है RHO। ठीक है, L है वो लेंथ है और A है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो R इज इक्वल टू रो इन टू एल बाय ए। अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटीरियल इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 meter लेंथ ऑफ वायर ऑफ मेटीरियल Having an area of cross section of 1 meter square, ठीक है? एक 1 meter square के area of cross section का अगर material मिल लेंगे, suppose एक तार ले लिया हम लोगों ने, तार का area of cross section कितना है? 1 meter square, ठीक है? कोई सा भी तार ले लिया हम लोगों ने, उसका 1 meter square का area of cross section है और उसका length अगर 1 meter है, तो उसका जो resistance होगा, उसको हम लोग कहेंगे specific resistance। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल डिसाइड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल जैसा होगा उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस हिसाब से होगा। यहाँ पे नेचर ऑफ द मटेरियल रो के लिए है। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। क्लियर, तो इसका यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर होगा इसका यूनिट, SI यूनिट है इसका, ओम मीटर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का
रेसिप्रोकल होता है, इसे जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी जो है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स है। ठीक है, जी इज इक्वल टू 1/R, मतलब किसी भी मटेरियल का अगर कंडक्टेंस बहुत हाई है, इसका मतलब वो बहुत कंड्यूसिव है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई सा भी मटेरियल जिसकी कंडक्टेंस बहुत हाई है तो वो कंड्यूसिव है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर उसका कंडक्टेंस कम है तो उसका मतलब रेजिस्टेंस भी अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, MHO, ऑपोजिट ऑफ ओम, उल्टा जो ओम का हम लोग का सिंबल था उसका ऑपोजिट है। इसे एस या सीमेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा यूनिट है सीमेंस। ठीक है, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी जो होती है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है, दैट इज 1/that। ओके, तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होल इनवर्स। ओम मीटर का होल इनवर्स इसका यूनिट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं सीमेन मीटर इनवर्स, इसे हम लोग लिख सकते हैं सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस हो गया। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, यहां पे सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। एन एल्यूमिनियम वायर 10 मीटर लॉन्ग, एक एल्यूमिनियम का तार है, कितना लंबा है वो, 10 मीटर लंबा तार है। ठीक है, 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, 2 मिलीमीटर की उसकी डायमीटर है, 2 मिलीमीटर पतला है वो। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर है, एक कॉपर का तार है जिसका लेंथ क्या है, 6 मीटर, 6 मीटर लंबा कॉपर का तार है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। देखिए यहां पे फिगर है, एल्यूमिनियम का तार मैंने थोड़ा लंबा ले लिया है और कॉपर का तार मैंने थोड़ा सा पतला छोटा ले लिया है, उसके नीचे में है। ठीक है, तो ये क्या है, अ टोटल करंट ऑफ 2 एम्पियर्स इज पास थ्रू द कॉम्बिनेशन एंड इट इज फाउंड दैट करंट थ्रू द एल्यूमिनियम वायर इज 1.25 एम्पियर्स। ठीक है, एल्यूमिनियम वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1.25 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है एल्यूमिनियम वायर में, और टोटल कॉम्बिनेशन में 2 एम्पियर्स। तो एरिथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कॉपर वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर, कॉपर वायर की डायमीटर हमें कैलकुलेट करनी है, वो कितना डाया का होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें इन दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस भी दी हुई है, इन दोनों की हमें रेजिस्टिविटीज भी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के हम लोग ले लेंगे सफिक्स 1 और कॉपर के लिए हम लोग ले लेंगे सफिक्स 2। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सारी जो जो L1, L2, D1, D2, Rho1, Rho2, A1, A2 ये सब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो L1 क्या होगा, 10 मीटर एल्यूमिनियम का, उसका डायमीटर कितना है, 2 मिलीमीटर का। L2 कॉपर का लेंथ कितना है, 6 मीटर का, D2 हमें पता करना है। Rho1 क्या है, 2.6 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की। ठीक है, और इसे मैंने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। Rho2 कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये कॉपर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल्यूमिनियम का कितना होगा, π × 2² / 4 mm². ठीक है, A2 क्या हो जाएगा, π × D2² / 4 mm². अब हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू I1 R1। यहां पे V जो है पोटेंशियल जो है दोनों का, पोटेंशियल जो है वोल्टेज जो है दोनों का बराबर होगा, वोल्टेज बराबर होगा। क्यों, क्योंकि DC सर्किट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पैरेलल सर्किट्स रहती हैं, पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेजेस सेम रहती है। ठीक है, पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेजेस सेम रहती हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I1 R1 एंड V इज इक्वल टू I2 R2 दोनों वायर्स के लिए। ठीक है, क्लियर है, तो हम लोग लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, तो I1 / I2 इज इक्वल टू R2 / R1।
ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी नो दैट आर वन इज इक्वल टू रो वन इंटू एल वन बाय ए वन, ठीक है, एंड आर टू इज इक्वल टू रो टू इंटू एल टू बाय ए टू, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा है, तो ये हो गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 1.25 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1.25 इज इक्वल टू रो टू इंटू एल टू बाय ए वन होल डिवाइडेड बाय रो वन इंटू एल वन बाय ए वन, ठीक है। यहां पे आर टू बाय आर वन जो था और आई वन बाय आई टू जो था, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था उसके हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। आई वन बाय आई टू और आर टू बाय आर वन दोनों को हम लोगों ने यूज कर लिया है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया है। तो ये हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 2.1.25 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इम्प्लाइज दैट 1.25 डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू, हम लोगों ने सारी वैल्यूज पुट कर दी, उसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया डी टू के लिए। इजी कैलकुलेशन है डी टू के लिए, जब सिंप्लीफाई किया तो हम लोगों का ये आंसर है 0.94135744487 मिलीमीटर्स। ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर मुझे यही बता रहा था तो मैंने यही लिख दिया है, ठीक है। तो दिस इज हेंस द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर स्टैंड्स कैलकुलेटेड। इस तरह से हमें कॉपर वायर का जो डायमीटर था वो कैलकुलेट हो गया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, काफी हम लोगों ने चर्चा की, काफी चीजों की हम लोगों ने चर्चा की, रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, कंडक्टेंस की, उस पे बेस्ड एक सॉल्व एग्जांपल की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।